बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेवेंथ ऑनलाइन क्लास ऑफ आर्ट स्टडीज। द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज द रीजंस और कॉजेज बिहाइंड द डिसमेंबरमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। आज बेसिकली हम ये देखेंगे कि वो क्या रीजंस थी जिसकी वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के साथ वेस्ट पाकिस्तान से जो है वो सेपरेट हुआ। बिफोर वी स्टार्ट दिस Before we start this topic, let's see the history of the Pakistan. अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो we will get to know कि पाकिस्तान before partition यानी 1947 से पहले पाकिस्तान was the British colony, right? और 1947 के बाद जब British Empire ने decolonize किया सब continent को, तो उस वक्त we see कि at in 1947 decolonization के बाद सब continent was divided into two independent states. One was Pakistan and other was India, right? और पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान के जो थे दो जो थी territories थी जो पाकिस्तान की जो है हिस्से में आई, और वो क्या थी, एक East Pakistan था और एक West Pakistan. East Pakistan जो भी present Bangladesh है, that was East Pakistan, and West Pakistan is now जो भी present Pakistan का जो भी जो है territory. अच्छा, अब हम थोड़ा सा स्कोर देखें। जैसे कि हमने शुरू से देखा जितनी भी जो फ्रीडम मूवमेंट थी, स्ट्रगल मूवमेंट थी, तो हमने देखा कि जो पाकिस्तान था that was created on the name of religion. वो religious nationalism था जो कि cementing force थी, binding force थी, हम देखते हैं among various ethnic groups, क्योंकि within Pakistan भी we have seen कि Pakistan जब बना था तो उसके अंदर हमारे पास we had Bengalis, we had Punjabis, Pashtuns, Sindhs and Balochistan, ये सारे different ethnic groups से belong करते थे, लेकिन इस ethnicity के बावजूद ये सारे यूनाइटेड थे अंडर द वन प्लेटफॉर्म, अंडर द वन अम्ब्रेला, एंड दैट वाज द रिलीजन। उसके बाद एक और चीज़ जो है जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान बना था, जैसे कि हमने इनिशियल डिफिकल्टीज में देखा था कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को इनिशियली क्या कुछ फेस करना पड़ा, उसमें ये भी हमने देखा था कि पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान वाज अ न्यूली बॉर्न स्टेट, तो जो इंस्टीट्यूशंस थे, पाकिस्तान ने कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी जो कॉलोनियल एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर, उससे इनहेरिट नहीं किया था। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस थे जो थे वो जो इंडिया जो बना था उस पार्ट के अंदर थे। इंडिया इवन के जो जो ब्रिटिश एम्पायर जब पाकिस्तान जब सब कॉन्टिनेंट वो कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, उस वक्त जो कैपिटल था दिल्ली, वो भी आफ्टर पार्टीशन किसके किसकी टेरिटरी में चला गया, इंडियन टेरिटरी में चला गया। जो मेजर पोर्ट्स थे बॉम्बे और कैलकटा के, वो भी आफ्टर पार्टीशन व्हाट वी हैव सीन कि वो चले गए किसकी टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में। इसी तरह रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, जो मेजर ब्यूरोक्रेसी थी, आर्म फोर्सेज थी, पुलिस थी, ये सारे के सारे जो मेजर इंस्टीट्यूशन थे, जो मेजर जो ऑफिसर्स थे, वो सारे के सारे उस पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में थे जो इंडिया के पास चला गया। तो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान के पास इनिशियली, जैसे हमने पहले भी देखा था कि पाकिस्तान के पास इनिशियली जो थे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसको पाकिस्तान ने लेके चलना था, और उसके साथ ही साथ एक और जो मेजर प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान के पास दो अनकनेक्टेड टेरिटरीज थी, वो आगे मैं आपको बताऊंगी, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास रॉ मटेरियल था, और रॉ मटेरियल के साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पास एक बड़ा चैलेंज था, और वो चैलेंज ये था कि पाकिस्तान जो है इन दो टेरिटरीज को, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को जो है सक्सेसफुली कैसे रूल करेगा, कैसे इस्टेब्लिश करेगा, ये एक मेजर जो है पाकिस्तान के पास जो था, एक मेजर पाकिस्तान का टास्क था। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि आपके पास लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, रिसोर्सेज नहीं थे, और उसके बावजूद भी आपने दो टेरिटरीज को, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को साथ लेके चलना है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। अच्छा, अब हम आते हैं कि वो क्या रीजंस थी जिसकी वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो 1971 में वेस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो गए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। ये सारी की सारी काफ़ी, वैसे तो बहुत सारी कॉजेज हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ मेजर कॉजेज को जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे, वन बाय वन। हाफ कॉजेज को हम आज अपने लेक्चर में करेंगे, और बाकी हाफ को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कॉन्टिन्यू करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखें तो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर, जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर था वो भी एक मेजर कॉज था बिहाइंड द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। वो कैसे, वो इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के दो विंग्स थे, एक ईस्ट पाकिस्तान था और एक वेस्ट पाकिस्तान था। अब ये दोनों विंग्स जो थे ये कनेक्टेड विंग्स नहीं थे, कनेक्टेड इन अ सेंस कि जो ईस्ट पाकिस्तान था और जो वेस्ट पाकिस्तान था, इनके दरमियान कोई भी डायरेक्ट लैंड कनेक्शन नहीं था, कोई भी डायरेक्ट लैंड रूट नहीं था।
नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी प्रेजेंट बांग्लादेश है, वो तीन साइड से जो है उसका बॉर्डर किसके साथ लगता था, इंडिया के साथ लगता था, और उसका ईस्ट पाकिस्तान था तो पाकिस्तान का पार्ट, लेकिन उसका डायरेक्ट लैंड रूट जो था वो पाकिस्तान के साथ नहीं था। अगर आपने बाय लैंड अगर पाकिस्तान के साथ कोई कम्युनिकेशन रखनी है तो दैट वॉज ओनली थ्रू इंडिया। और वो उस वक्त क्योंकि हम लोग एक न्यूली बॉर्न थे और हम दोनों ने अलग अलग रिलीजन के नाम पे इंडिया और पाकिस्तान जो सेपरेट हुए, तो उस वक्त वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू इंडिया वॉज नॉट पॉसिबल, राइट। ये सबसे बड़ा मेजर इशू था जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, जब पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ था। और उसके अलावा और वो जो इंडियन टेरिटरी का जो पार्ट था जो पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से कनेक्ट करता था, वो 1500 किलोमीटर का वो पैच था। और ये बहुत आप देखें कि इससे कितना जो है वो डिफिकल्ट है कनेक्शन और कम्युनिकेशन। तो जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त आप देखते हैं कि इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जितनी भी ट्रेड और कम्युनिकेशन लिंक्स थे बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान को क्या कर दिया, उसको कट ऑफ कर दिया। तो ओनली जो पॉसिबल रूट था दैट जो कि कनेक्ट करता था ईस्ट पाकिस्तान को फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, दैट वॉज थ्रू सी। और वो भी एक बहुत ही लंबा जो था वो एक रूट था, और उसमें आई थिंक काफ़ी 7 डेज लगते थे ट्रैवल करने में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पाकिस्तान। और वो एक ही वाहिद पॉसिबल जो था जो रूट कम्युनिकेशन का वो अवेलेबल था। तो ये पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में ही शुरू से ही जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर था, जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ था तो उसमें ये सबसे पहला जो मेजर प्रॉब्लम था दैट वॉज प्रेजेंट फ्रॉम द डे वन, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली फिर हम आते हैं ईस्ट पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के ऊपर। ईस्ट पाकिस्तान में हम देखते हैं कि टोटल जो पाकिस्तान का जो 1947 जो पाकिस्तान का टोटल एरिया था उसमें से जो 16% एरिया था वो क्या था, वो ईस्ट पाकिस्तान का एरिया, बाकी रिमेनिंग जो था वो वेस्ट पाकिस्तान था। और जो टोटल पॉपुलेशन थी जब पाकिस्तान वॉज इस्टेब्लिश इन 1947 दैट वॉज 78 मिलियन, और उस 78 मिलियन में से 44 मिलियन जो पॉपुलेशन थी दैट वॉज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड था, और उस ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ एक सिंपल एक सिंगल एथनिक ग्रुप था एंड दैट वॉज बंगाली। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में वी सी कि वेस्ट पाकिस्तान में वी हैव मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स जिसमें पंजाबी थे, पख्तून थे, बलोची थे, राइट। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में वी हैड ओनली वन एथनिक ग्रुप एंड दैट वॉज बंगाली। उसके साथ साथ हम एक और चीज़ देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको पता होगा कि जितनी भी पाकिस्तान मूवमेंट की जो स्ट्रगल थी that struggle was basically initiated from the east pakistan. जो मुस्लिम लीग बनी थी वो किसका, वो मुस्लिम लीग आपको पता है ढाका में क्रिएट की गई थी 1906 में। तो जो मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन था दैट वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द बंगाली लीडर्स। इवन की जो मुस्लिम लीग की जो क्रिएशन थी, establishment थी, that was also initiated from बांग्लादेश, दैट वॉज ऑल्सो इनिशिएटेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान या जो ढाका से जो है वो इनिशिएट हुई थी। और उसके अंदर जितने भी जो मेजर प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो थ्रू आउट फ्रीडम मूवमेंट में या स्ट्रगल मूवमेंट में जो थे, जो प्रोमिनेंट थे वो कौन थे, वो ज़्यादातर कौन थे, वो बंगाली थे। अच्छा, अब हम देखते हैं जो सबसे पहला इंसिडेंट, पहले तो हम देखते हैं कि दो अनकनेक्टेड टेरिटरीज हैं और उन टेरिटरीज को रूल करना और उन्हें एक जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एस्टैब्लिश करना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। और ये एक मेजर जो इनिशियल पॉइंट था जिसकी वजह से जो एक रीजन बना आगे जाके डिसमेंबरमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। सेकेंडली हम देखते हैं जो मेजर इवेंट दैट वॉज जो मेजर इवेंट था वो क्या था कि लैंग्वेज कॉन्ट्रोवर्सी। लैंग्वेज कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी कि 1948 में व्हाट वी सी कि जो उर्दू है उसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया ऑफ पाकिस्तान, राइट। उस वक्त हम देखते हैं कि बंगालीज के दरमियान एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो है, एक सेंस ऑफ सप्रेशन जो है वो इवॉल्व हुई, क्योंकि 54% जो पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की एट दैट टाइम दैट वाज बंगाली स्पीकिंग। तो बंगालीज वर एक्सपेक्टिंग कि बंगाली शुड बी द नेशनल लैंग्वेज, लेकिन इंस्टेड ऑफ बंगाली उर्दू वॉज क्रिएटेड एट द एस्टैब्लिश एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो उस वक्त एक नई जो है क्या कहते हैं एक मूवमेंट जो है फॉर द रिकग्निशन ऑफ द बंगाली लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट हुई। और उस मूवमेंट में हम देखते हैं कि वो उसमें जो है फिर एक 1949 में फिर एक अवामी लीग जो है वो क्रिएट की गई, एक पार्टी क्रिएट की गई फॉर द बंगाली जिसकी वजह से बंगाली नेशनलिज्म जो राइज हुआ। और उस अवामी लीग के जो लीडर थे दैट वॉज शेख मुजीबुर रहमान, और उन्होंने फिर जो है एक बंगाली जो लैंग्वेज है उसकी रिकग्निशन के लिए जो एक मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और फिर हम देखते हैं और ये काफ़ी कहते हैं कि काफ़ी जो है प्रोटेस्ट हुआ, और ये एक मेजर जो था ये पहला पॉइंट था, एक पहला इंसिडेंट था जहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा बहुत ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान क्या स्टार्ट होता है थोड़ा बहुत
उनके दरमियान जो है एक सेंस ऑफ क्या कहते हैं एक दूसरे के लिए जो एक हॉस्टाइल एटीट्यूड है वो ये यहाँ से जो है इनिशियली स्टार्ट होता है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो सॉरी अच्छा जी नेक्स्ट है फेलियर ऑफ द मुस्लिम लीग लीडरशिप इन ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा ये इस तरह से है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी ढाका में और जो मेजर जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे मुस्लिम लीग के वो भी क्या थे वो भी बंगालीज थे। इसमें हम देखते हैं कि हमने देखा कि जो जैसे कि मैंने अभी यहाँ नाम लिखे हुए ख्वाजा नाजमुद्दीन वो देखते हैं कि जब ये ख्वाजा नाजमुद्दीन हुसैन सिखी शहीद सरबदी आई आई चंडीगढ़ ये सारे के सारे बंगाली लीडर्स थे और आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन तमाम बंगाली लीडर्स को चांस मिला कि ये प्रोमिनेंट जो पोजिशन है गवर्नमेंट की उनको जो है उनके ऑफिस को होल्ड करें और वहाँ पर जो है जो भी इनके कंसर्न्स हैं उनको जो है वो फुलफिल करें। इसमें सबसे पहले ख्वाजा नाजमुद्दीन हम देखते हैं 1948 में आफ्टर द डेथ ऑफ कादर मोहम्मद अली जना ख्वाजा नाजमुद्दीन बिकेम द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान राइट। उसके बाद फिर हम देखते हैं आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली खान इन 1952 ख्वाजा नाजमुद्दीन टू द चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह हुसैन शहीद सरवदी को हम देखते हैं कि ये बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 46-47 में ये क्या थे ही वॉज द बंगाली प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि आपको पता है जो दिल्ली कन्वेंशन था जब 45 के इलेक्शन मुस्लिम लीग जीती थी तो दिल्ली कन्वेंशन में जो अमेंडमेंट जो रेजोल्यूशन पास किया था वो भी हुसैन शहीद सरवदी ने किया था जिसमें हमने स्टेट्स का वर्ड को स्टेट से रिप्लेस किया था। तो ही वॉज ऑल्सो आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1956। इसी तरह आई आई चंडीगढ़ भी जो थे ये भी बंगाली थे ये भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने इन 1957। तो हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की उन्होंने जो है हमेशा से कोशिश की कि टॉप पोजीशंस पे जो है बंगाली लीडर्स को जो है वो रखें ताकि एक जो पाकिस्तान की जो यूनिटी है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की यूनिटी उसको शो किया जा सके। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस डिस्पाइट ऑफ होल्डिंग द major offices these all leaders were unable ke jo bhi bengali concerns hain jo bhi bengalis ke issues hain unko ye tackle kar sake aur sath hi sath ek iski ek aur wajah ye bhi thi ki ye inhone jo public offices hold kiye the ye sirf aur sirf by kya kehte hain sirf naam ke offices hold kiye the otherwise इनका जो पावर था सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो वेस्ट पाकिस्तान में लाई करती थी उसके ऊपर जो इनका होल्ड था जो पावर था दैट वाज वेरी लिमिटेड। ठीक है तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो डिससेटिस्फेक्शन है अमंग द बंगाली पॉलिटिशियंस जो है रिगार्डिंग द वेस्टर्न वेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन वो जो है वो इवॉल्व होती है जब ये फेल हो जाते हैं बंगाली लीडर्स अपने जो भी जो बंगाली इंटरेस्ट है जो बंगाली लोगों का इंटरेस्ट है उनको जो है टैकल। तो ये भी यहाँ से भी हम देखते हैं एक जो डिससेटिस्फेक्शन वाली जो लेयर है वो स्टार्ट बनती है और ये भी आगे जाके एक रीजन बनता है ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। देन हिंदू नेशनलिज्म हम देखते हैं हिंदू इन्फ्लुएंस इस तरह से कि हम देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में जो 14% पॉपुलेशन थी दैट वॉज हिंदू और जैसे कि आपको पता है बिफोर पार्टीशन जो हिंदूज थे देवर एट द मेजर देवर होल्डिंग द मेजर पब्लिक ऑफिसेस तो यहाँ पे और आफ्टर पार्टीशन जो हिंदूज ईस्ट पाकिस्तान में रह गए उन्होंने कांग्रेस के बजाय एक नई पार्टी ऑर्गेनाइज की और वो दैट वाज द पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस और ये पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस बेसिकली ऑन द बिहाफ ऑफ जो थी इंडिया जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान में जो थी वो काम कर रही थी और इनका ज़्यादा जो कंसर्न था यही था कि जो है वो प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए जाए बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि हम देखते हैं कि जो हिंदूज थे वो क्यों इन्फ्लुएंशियल थे अमंग द बंगालीज वो इस वजह से भी थे कि बंगालीज ये भी चाहते थे बंगाली पॉलिटिशियन चाहते थे कि उनको जो है वो मेजॉरिटी पाकिस्तान की जो लेजिस्लेशन है उसमें मेजॉरिटी मिले तो उसकी वजह से अपने नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करने के लिए भी दे ऑल्सो वॉन्टेड हिंदूज टू बी यूनाइटेड विद देम राइट। तो इसमें सारे बंगाली लीडर्स का जो है वो प्रोमिनेंट रोल है इस ये भी एक वजह बना ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। देन कम्स द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में हम देखते हैं कि ये भी एक मेजर पॉइंट था जो कि वजह बना ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड 1947 तो जो ईस्ट पाकिस्तान था
वो जो था वो मेजर प्रोड्यूसर था, जो मेजर जो इंडस्ट्रीज थी जो प्रोड्यूस करती थी रेवेन्यू, या वो उसमें जूट जो थी जो मेजर थी एक्सपोर्टर जो कंपनी थी, वो कहाँ लाया करती थी, ईस्टर्न पाकिस्तान में लाया करती थी। और उसका जो भी कलेक्शन होती थी, जो भी उसका उसका जूट का जो भी मेजर पार्ट था, वो जब भी कलेक्ट होता था तो वो सारा सेंटर के पास आता था, राइट। उससे जो भी आमदन होती थी वो किसके पास जाती थी, सेंटर के पास। और फिर सेंटर जो है उसको उस पार्ट को डिवाइड करता था बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। और ये 1950s और 60s की बात है, करता था ये जो जूट जो थी दैट वाज अ मेजर एक्सपोर्ट इन पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में ये जो इंडस्ट्री लाया करती थी। और इसका मेजर एक्सपोर्ट जो भी रेवेन्यू था जो भी इसका, वो किसके पास जाता था, सेंटर के पास, और सेंटर वहाँ से जो इसको डिवाइड करती थी। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती थी, यहाँ पे भी सेंटर ने स्पेशली ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान ने निगलेक्ट किया ईस्ट पाकिस्तान को। जो भी मेजर जो आती थी, जो भी इनकम आती थी फ्रॉम दिस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट में लगाया जाता था। तो यहाँ से जो है एक सेंस जो है ईस्ट पाकिस्तान के दरम्यान जो है डेवलप हुई कि ये क्या वेस्ट पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक्सप्लॉयट कर रहा है ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज को। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो अराइज होती है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। देन कम्स द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हम देखते हैं, यहाँ पे भी इनइक्वालिटीज जो हम पाई जाती है ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में। जैसे कि हम देखते हैं कि जो है एक 50s में जो है एक बिग इंडस्ट्रियल जोन सेटअप किया गया, और वो जो जोन था सेटअप जो था उसका जो एरिया था दैट वाज फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, फैसलाबाद टू शेखपुरा, लाहौर टू गुजरांवाला, और ये सारे के सारे वो रीजन से जो लाए करते थे इन वेस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पे भी क्या किया गया, ईस्ट पाकिस्तान को इस जो इंडस्ट्रियल सेटअप है इसमें ईस्ट पाकिस्तान को निगलेक्ट किया गया, राइट। फिर हम देखते हैं कि 22 फैमिलीज थी उस वक्त जो कि मेजर जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल वेल्थ थी, 66% जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल वेल्थ थी उसको ओन करती थी। और इन 22 फैमिलीज में से एक सिंगल फैमिली भी जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान से नहीं थी, ये 22 की 22 फैमिलीज दे वर फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी जो है क्या किया गया, ईस्ट पाकिस्तान को जो है वो निगलेक्ट किया गया, और ये भी एक रीजन बना ऑफ कॉजेज ऑफ क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। फिर ये इसी तरह हम देखते हैं उस वक्त जो 1950-60s में जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो मोर देन 5% थी। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि जब ईस्ट पाकिस्तान को निगलेक्ट किया गया तो जो पॉवर्टी थी दैट वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे इन ईस्ट पाकिस्तान। और यहाँ पे अगेन सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सेंस ऑफ सप्रेशन, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो है ऑटोमेटिकली डे बाई डे क्या हो रही थी, वो इंक्रीज हो रही थी अमंग द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा, फिर एक और जो रीज़न थी दैट वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरन एड। उस वक्त जो भी फॉरन एड पाकिस्तान को मिल रही थी उस फॉरन एड को जो है इक्वली जो है दोनों विंग्स के दरमियान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान डिवाइड नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ उस फॉरन एड का 25% जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को दिया गया, और ज़्यादा परसेंटेज सेंटर और वेस्ट पाकिस्तान को दी गई। और उसमें से भी जो इकनॉमिक और मिलिट्री एड थी वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके पास थी, वो वेस्ट पाकिस्तान के पास थी। और जो भी क्या कहते हैं जो मेजर मिलिट्री और इकोनॉमिक एड थी वो वेस्ट पाकिस्तान होल्ड करता था, और जो दूसरी एड आती थी जिसका जो इतनी क्या कहते हैं मेजर कंसर्न या यूजफुलनेस नहीं थी जिसकी, वो किसके पास आती थी, वो ईस्ट पाकिस्तान के पास। तो ये भी एक मेजर वजह बना ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। देन डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पहले भी पढ़ा था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है 9 years के बाद बना 1956 में। तो ये भी एक मेजर रीज़न बना ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो भी डिस्पैरिटी थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके रीज़न बना, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तानी थे वो ये चाह रहे थे, क्योंकि वो 56% थी पॉपुलेशन थी उनकी पाकिस्तान की, वो ये चाह रहे थे कि पॉपुलेशन की परसेंटेज की बुनियाद पे जो है जो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो नेशनल असेंबली है, उसमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए। और हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, और जब 56 में कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त भी क्या कहते हैं मेजर प्रॉब्लम जा रही थी, और 9 years तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस चलता रहा, और इस डिले की वजह से भी जो है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान का वो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, वो जो बंगाली इशू था जब 56 का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि वो जो बंगाली लैंग्वेज का इशू था उसको केटर करने की कोशिश की गई थी, और बंगाली और उर्दू को दोनों को जो है वो नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया 1956 में।
देन अयूब खान सजीम, अयूब खान सजीम बेसिकली आपने देखा कि फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, उस वक्त भी हम देखने के बहुत सारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अनइक्वालिटीज जो हैं अयूब खान के रजीम में पाई गई. उसमें भी यही हुआ क्या कि अयूब खान ने पहले ये प्रॉमिस किया कि विद इन 20 to 25 years जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी डिस्पैरिटीज हैं बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, उनको हम मिनिमम लेवल के ऊपर लेके लाएंगे. उन्होंने पहले 3rd 5-year प्लान दिया 1960s और 65 में. फिर क्योंकि वो जो बंगाली लीडर्स थे वो सेटिस्फाई नहीं थे, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए लेट 60s में जो है अगेन फोर्थ इकोनॉमिक जो है फोर्थ 5-year इकोनॉमिक प्लान दिया गया. और उसमें ये प्रॉमिस किया गया कि जो 50% प्रोजेक्टेड जो भी पब्लिक फंड्स हैं वो किसको दिए जाएंगे, वो ईस्ट पाकिस्तान को दिए जाएंगे. लेकिन अगेन इस इन तमाम स्टेप्स के बावजूद भी जो बंगाली जो क्या कहते हैं जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग हैं, ईस्टर्न पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट थी, उनके दरमियान डिससेटिस्फेक्शन जो वो इंक्रीज होती गई, सेटिस्फाई उनको नहीं कर पाए. और उन्होंने इन सारे प्लान्स को सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी प्रॉमिसेस ही कंसिडर किया. और ये भी एक वजह बनी आगे सेपरेशन की. देन शेख मुजीबुर रहमान, जैसे कि मैंने आपको बताया, शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो अवामी लीग के लीडर थे जो 1949 में जो है क्रिएट की गई थी. और ये बेसिकली बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी थी. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, लैंग्वेज की कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी. उसके बाद जब 56 में लैंग्वेज का इशू रिजॉल्व हुआ, लेकिन 62 कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन जो है उसको उर्दू को नेशनल लैंग्वेज किया गया. तो उस वक्त जो है जो मुजीबुर रहमान थे उन्होंने जो है एक स्ट्राइक की कॉल की. और स्ट्राइक में हम देखते हैं स्टूडेंट्स ढाका यूनिवर्सिटी के डिफरेंट जो है प्रोमिनेंट लोगों ने जो पार्ट लिया. और उस वक्त जो है शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर दिया गया. और उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान ने अरेस्ट से पहले उस सारी अपोजिशन से सारी रिबेलियन से पहले उस सारी स्ट्राइक से पहले एक 6 points का प्रोग्राम दिया था ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के उनको जो है वो मिनिमाइज किया जा सके. और वो बेसिकली 6 point एजेंडा क्या था, वो ये था कि सबसे पहले ये था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो. सेकेंडली ये था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो सेंटर है, वो सिर्फ 2 subjects से डील कर रहे हैं. वो 2 subjects क्या थे, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स. और बाकी के सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है उस प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाए कि वो अपने अकॉर्डिंगली अपने सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली उनके साथ वो डील की जाए. 2 separate करेंसीज हो, मिलिट्री जो सेपरेट मिलिट्री हो ईस्ट पाकिस्तान की. तो ये 6 point एजेंडा जो है वो अयूब खान के रिजीम में 66 में जो है शेख मुजीबुर रहमान ने दिया था. और इसको जो है इस 6 point एजेंडा को जो है वो जो था इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया. और शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो अरेस्ट कर दिया गया. फिर अगेन जब हालात ज़्यादा ख़राब हो गए तो 1969 में जो है राजा खान केम टू द पावर, ही बोस सेकंड मार्शल लॉ, और शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो रिलीज़ कर दिया गया. और फिर राजा खान ने जो है ये प्रॉमिस किया कि 1970s में जो है वो जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे. और दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी जो कॉजेज थे हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज वी विल डिस्कस इट इन आवर 7th ऑनलाइन क्लास. थैंक यू. That's all.